बिजली संशोधन बिल के विरोध में प्रदर्शन। बिजली विभाग की नाहन यूनिट ने बस अड्डा परिसर में किया प्रदर्शन। संशोधन बिल लागू होने से प्रदेश में महंगी होगी बिजली। विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की नौकरी को भी खतरा। सरकार से नया संशोधन बिल लागू न करने की मांग। बिजली विभाग के निजीकरण और बिजली संशोधन बिल 2020 के विरोध में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन ने बस अड्डा परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इसे लागू ना करने की प्रदेश सरकार से मांग की। बिजली विभाग की राष्ट्रीय समन्वय समिति ने आह्वान पर हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन के नाहन यूनिट ने बिजली संशोधन बिल 2020 और बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में नारेबाजी की। जिला मुख्यालय स्थित बस अड्डा परिसर में इस प्रदर्शन के दौरान यूनियन के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट भगवान दास ने बताया कि जो बिजली संशोधन बिल 2020 केंद्र सरकार द्वारा लाया जा रहा है, उससे न केवल उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा बल्कि कर्मचारियों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नए संशोधन बिजली बिल के लागू होने से प्रदेश में सब्सिडी समाप्त हो जाएगी और बिजली की दरों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी, जिसका भुगतान करना आम आदमी की पहुंच से दूर होगा। बिजली विभाग के निजीकरण से कर्मचारियों को नौकरियों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। प्रदेश की जनता और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए यूनियन ने सरकार से इन सभी संशोधन बिलों को तुरंत प्रभाव से वापस लेने की मांग की है। प्रधान हंसराज गिरिनगर, प्रधान सुनील कुमार पौंटा, राजेंद्र हुकुम सिंह, आदर्श मेहता, राजवंत कौर, अनिल आदि उपस्थित थे। अपने सारे साथियों की ओर से, जितने हमारे साथी हैं पूरे हिमाचल के, हमारे नाहन इसके, उनकी सबकी ओर से अपनी गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक प्रार्थना करना चाहूँगी कि प्राइवेट की ओर ना जाए। तो इसे प्राइवेट की ओर ना ले जाकर इसके बारे में कुछ सोचा जाए कि गवर्नमेंट ही रहे, ताकि हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसे भी फ़ायदा हो। दूसरा, मैं अपील करना चाहूँगी अपने मुख्यमंत्री जी से कि जो ये बिजली के बिल हैं, अब मैं ऐसा नहीं है कि इसका भार हम लोगों पर पड़ेगा, आम जनता पर पड़ेगा, धीरे धीरे पड़ रहा है, सब्सिडी ख़त्म हो रही है। अभी आपके एक जो बिल हैं 1 रुपया पर यूनिट बढ़ चुके हैं। मैं आम जनता को भी कहना चाहती हूँ कि वो भी जागरूक होएं और हमारा साथ दें। इसका जो फर्क पड़ेगा वो हम लोगों के साथ साथ आम जनता पे हमसे ज्यादा पड़ेगा। ये ऑल इंडिया लेवल की हमारी राष्ट्रीय स्तर की संगठन है अधिकारियों और कर्मचारियों का, तो उसके आह्वान पे आज 18 अगस्त को एक सुरक्षा दिवस, सिक्योरिटी डे के रूप में हम इकट्ठे हुए हैं। तो इसका हमारा मेन मकसद है कि जो देश में ये आजकल प्राइवेट इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उसमें हमारा बिजली बोर्ड भी है कि बिजली बोर्ड का विघटन भी, बिजली बिल 2020 कानून जो अभी संसद में आ रहा है, तो हम इसके विरोध में हैं। स्टेट जो हमारी HPSCB एम्प्लॉयज यूनियन है, उसके आह्वान पे हमने डिस्ट्रिक्ट सम्बोर में जो हमारे जिला के पदाधिकारी हैं, पौंटा, ददाहू, नाहन और गिरिनगर यूनिट के, तो जितने भी स्टेट लेवल के हमारे पदाधिकारी हैं, आज हम इकट्ठे हुए हैं। तो इस कानून का हम विरोध करते हैं और उस केंद्र की ये जो प्राइवेटिस की नीति है, तो इस केंद्र सरकार से हम मांग भी करते हैं कि बिजली बोर्ड को तोड़ना बंद करे, ताकि इसमें ठेकेदारी प्रथा आगे आ रही है और इसमें जहां कर्मचारियों की सेवा शर्तें जुड़ी हैं उसके साथ उपभोक्ताओं को भी इसका नुकसान है। तो हमारी सरकार से मांग है कि जो प्राइवेटाइज जो आप कर रहे हैं तो ये ना किया जाए, ताकि जो आने वाली जनरेशन है तो उनको भी सरकारी कर्मचारियों के तहत जैसे हम लोग थे उस तरह की सेवा शर्तें मिलें। और इसमें हमारा जो मेन नुकसान है हिमाचल जैसे पहाड़ी क्षेत्र में उपभोक्ताओं को, जो आज की दरें हैं बिजली की, आज की दरें भी इतनी महंगी हैं कि इसका बिल हम नहीं चुका पाते। आम गरीब आदमी, हिमाचल का जो गरीब है, वो इतनी भारी भरकम बिजली का बिल नहीं दे पाता। अगर यदि ये प्राइवेट हो गया तो इतनी बिजली के रेट जो बढ़ेंगे 8-10 रुपये यूनिट, तो वो बेचारा नहीं दे पाएगा। प्रदेश सरकार से भी हम मांग करते हैं कि हिमाचल जैसे इस क्षेत्र में इसको ना लागू किया जाए, ताकि प्रदेश का जो विकास है उसमें रुकावट आए।